मैंने भी बहुत बार देखा है एज पर माई एक्सपीरियंस एज वेल कि जब तक मैं रिव्यूज नहीं पढ़ता हूँ तब तक मैं भी प्रोडक्ट परचेस नहीं करता हूँ। और ये सेम चीज ना सामी हमारे साथ होती है, बट वो हम लोग इसको समझ नहीं पाते हैं कि यार ये एज अ इस परस्पेक्टिव से अगर सोचेंगे हम लोग तो कस्टमर भी ऐसे ही सोचता होगा। हाय सामी, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ अवर चैनल। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सामी से ही क्वेश्चन करेंगे। जो क्वेश्चंस आपने पूछे हैं इतने सारे कमेंट्स में, पूरे क्वेश्चंस के हम लोग आंसर आज सामी से लेने वाले हैं। क्या एक बेटर स्ट्रेटेजी रह सकती है पीपीसी के लिए, सीपीसी के लिए, कैसे सेल्स को ग्रो किया जाता है अमेजोन पे। और आपने भी सामी को एक दो वीडियोज में हमारे लास्ट में पॉडकास्ट किए थे वहां पे भी देखा होगा प्रीवियसली, कि जिसमें सामी ने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए थे एंड बहुत सारे डाउट जो थे वो रिजोल्व किए थे हमारे। इस वाले पॉडकास्ट में भी सामी हमारे साथ बहुत सारे जो चीजें हैं जो जो उन्होंने सीखी है और जो उन्होंने खुद से इम्प्लीमेंट की है और खुद से प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं और देन उसके बाद में ही अच्छा खासा रेवेन्यू वो जनरेट कर पाए हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, खुद के लिए। वेलकम सामी, वेलकम अगेन। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर रोहन मुझे फिर से इनवाइट करने के लिए। मैं फिर से एक्साइटेड हूँ बहुत ज्यादा और ज्यादा शेयर करने के लिए न्यू स्ट्रैटेजीज, न्यू ट्रिक्स रिगार्डिंग एडवर्टाइजिंग। So, हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। और दोस्तों, आपको सामी के बारे में पता होगा, सामी एक रेग्रो मीडिया इनकी एक फर्म है और अमेजोन पीपीसी में ये एक्सपर्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कमेंट में आया था कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी क्या होती है, एक अच्छी स्ट्रैटेजी कैसे बिल्ड करें किसी भी प्रोडक्ट को अमेजोन पे रैंक करने के लिए, वेदर इट इज यूनिक, वेदर इट इज एग्जिस्टिंग, वेदर इट इज पॉपुलर। जी 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 सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं अभी जो हम लोग रिसेंटली काम कर रहे हैं जियो रैंकिंग के ऊपर। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। हम लोग का एक क्लाइंट था जो लगभग अराउंड 20-22 लाख पर मंथ का रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे। उनका एड स्पेंड भी अच्छा खासा था। उन्होंने सिर्फ किया क्या, उनका सीए से पूछ के कौन से स्टेट में ज्यादा ऑर्डर आते हैं वो पूछ के सिंपली अपना एफपीओ वेयरहाउस अलग अलग स्टेट में रजिस्टर किया बाय टेकिंग वर्चुअल प्लेस ऑफ बिजनेस। उस स्टेट में जीएसटी लेके उस स्टेट का वेयरहाउस यूज करके वहां पे सेल करना स्टार्ट किया, मतलब प्रोडक्ट्स वहां पे भेजना स्टार्ट। विद इन 3 मंथ्स उनका सेल 20 लाख से 67 लाख तक होना स्टार्ट हो गया। कुछ प्रोडक्ट्स ऐड नहीं किया है, कुछ नहीं किया, सिर्फ वेयरहाउस न्यू ऐड किया है और 22 लाख से 67 लाख। क्यों? क्योंकि अभी कस्टमर्स का शिपिंग टाइम कम हो चुका है। और अगर आप एज ए कस्टमर देखेंगे, आप कोई भी प्रोडक्ट के लिए पे कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम 90% अभी जो पे होता है वो आपका प्रीपेड होता है, आप डायरेक्टली यूपीआई या कार्ड से पे कर देते हैं, कैश ऑन बहुत कम होता है। तो अगर आप पे कर रहे हैं, आप चाहते हैं आपका प्रोडक्ट जितना जल्दी डिलीवर हो सके उतना बेहतर है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, हम लोग इस स्ट्रैटेजी को जियो रैंकिंग स्ट्रैटेजी बोलते हैं। ये यूएस में बहुत अच्छे से काम करता है, इंडिया में भी काम करता है, लेकिन अलग तरीके से काम करता है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में हम लोग पास ऑप्शन है कि हम लोग कौन सा वेयरहाउस में प्रोडक्ट भेज सकते हैं, जहां पे यूएस में ये ऑप्शन नहीं है। यूएस में अमेजोन चूज करता है डिपेंडिंग ऑन कहां से कितना सेल आ रहा है उस हिसाब से। तो यूएस में क्या होता है जनरली, ये स्ट्रैटेजी किस तरीके से काम करता है, हम लोग फर्स्ट ये निकालते हैं अगर आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑलरेडी चल रहा है जो सेम कैटेगरी में है, सेम नीश में है, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कौन सा पिन कोड में ज्यादा ऑर्डर आता है। आप वहां से शॉर्टलिस्ट करते हैं टॉप 10 पिन कोड्स और उसके बाद आप क्या करते हैं, आप जो प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले होते हैं उसका टॉप 10 या 20 कंपटीटर्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं। और आपके पास मेरे ख्याल से 30-40 कीवर्ड्स भी होना चाहिए जो आप इनिशियली आपको पता है कि ये आपके प्रोडक्ट्स के लिए रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं। तो आप क्या करते हैं, आप जाके आप देखेंगे अमेजोन के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में टॉप में पिन कोड चेंज करने का ऑप्शन है, जहां पे आप डिलीवरी एड्रेस चेंज कर सकते हैं। एक चीज आप नोटिस करेंगे, कोई भी कीवर्ड डाल के अगर आप सर्च करते हैं, सोचिए फर्स्ट आपका जो पिन कोड है वो दिल्ली का कोई पिन कोड है और आपने सर्च करते हैं एक कीवर्ड वाटर बॉटल, वहां पे देखेंगे जो जो वाटर बॉटल शो हो रहा है वो चेंज हो जाएगा जब अपना आप अपना पिन कोड चेंज करते हैं, डिलीवरी एड्रेस चेंज करते हैं। आपका एड्स भी चेंज हो जाएगा थोड़ा बहुत, आपका ऑर्गेनिक लिस्टिंग भी चेंज हो जाएगा, जो पहले शो कर रहा था वो शायद ना शो। तो ये क्यों होता है, क्योंकि अमेजोन उस प्रोडक्ट को वहां पे शो करता है जो उस पिन कोड में ज्यादा जल्दी डिलीवर होने वाला होता है या फिर वो सेलर रेटिंग अच्छा खासा है। डिलीवरी टाइम इज द मेन यहाँ पे जो देखा जाता है। तो यूएस में क्या हो रहा था, यूएस में हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई किया कि कौन सा, ये सेम इन इंडिया के लिए भी वैलिड है, कौन सा पिन कोड सबसे ज्यादा ऑर्डर लेके आ रहे हैं। हम लोगों ने ये देखा कि हम लोगों जो टॉप 20 कीवर्ड्स है, सॉरी टॉप 20 कंपटीटर्स हैं और जो कीवर्ड्स हैं, हम लोगों ने पहले जाके अपना जिप कोड डाला, फर्स्ट जिप कोड और कीवर्ड सर्च किया। वहां पे हम लोगों ने कीवर्ड में देखा कि अपना जो टॉप 20 प्रोडक्ट्स है, कंपटीटर्स प्रोडक्ट्स, वो कहाँ पे रैंक हो रहे हैं उस जिप कोड, कौन सा पोजीशन पे, क्या वो फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे, कहाँ। उस तरीके से हम लोगों ने हर एक 30-40 कीवर्ड्स के लिए देखा कि अपना टॉप 20 जो प्रोडक्ट्स है कंपटीटर्स का, वो कहाँ पे रैंक हो रहा है, वो हम लोगों ने किया हर एक 10 जिप कोड के लिए, हर एक जिप कोड के लिए जो अपना टॉप 10 है। तो हम लोग पास एक पूरा लिस्ट बन गया कि कौन सा जिप कोड में इस कीवर्ड के लिए अपना टॉप 20 कंपटीटर्स कहाँ कहाँ पे रैंक है। उससे हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि कौन सा है वीक पिन कोड, मतलब जहां पे वीक पिन कोड कहाँ पे होगा, जहां पे आपका जो टॉप कंपटीटर्स है
जिसमें ज्यादा रिव्यूज है वो बहुत वीक है, मतलब फर्स्ट पेज में नहीं आ रहा है, या फिर फर्स्ट पेज में अगर आ रहा है तो बहुत नीचे आ रहा है। तो उस जगह पे अपने आप को फर्स्ट हम लोग प्लेसमेंट करना चाहते हैं। यूएस में आपके पास ऑप्शन है गूगल एड्स रन करने का, डीएसपी, अमेजोन डीएसपी रन करने का, क्योंकि वो दो एड्स टाइप ऐसे हैं जो आप रीजन वाइज फोकस कर सकते हैं। एक रीजन से जैसे ऑर्डर आना स्टार्ट होता है, अमेजोन क्या करता है अपना शिपमेंट वहां पे ज्यादा भेज देता है और वहां पे रैंक होना स्टार्ट करता है। लेकिन इंडिया में क्या है, ये हम लोग के पास एक प्लस पॉइंट है, हम लोग पहले से डिसाइड कर सकते हैं और प्रोडक्ट भेज सकते हैं। सोचिए आपने आइडेंटिफाई किया 5 वीक पिन कोड जहां पे आपका कंप्यूटर डोमिनेट नहीं कर रहा है, और उस वीक पिन कोड में आपने क्या किया, देखा कि हाँ आपका टॉप 20 कंप्यूटर जो है वो बिल्कुल डोमिनेट नहीं कर रहा, आपने अपना क्या किया वीपीओ भी लेके वहां पे प्रोडक्ट भेज दिया। अभी देखेंगे आप वहां से आपका रैंक होना स्टार्ट होता है बहुत जल्दी। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका कंप्यूटर डोमिनेट नहीं कर रहा, आपका एड कॉस्ट कम आएगा क्योंकि आपका डिलीवरी टाइम कम है और आपका कंप्यूटर्स भी वहां पे नहीं है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो आप यूज कर सकते हैं इनिशियली, अगर आप बहुत कंप्यूटर मार्केट में एंटर करना चाहते हैं या फिर आपके पास ऑलरेडी डेटा है कि कौन से जिप कोड आपके लिए अच्छा है। ओके एक जो सेलर थे जो नए नए सेल करना चाहते थे, उनका कहना ऐसा था कि ये जो एड्स है हम लोग जब रन करते हैं पीपीसी, ये हर टाइम के लिए आई मीन ऑलवेज रन होनी चाहिए, कि एक टाइम आने के बाद में हम लोग उसको टर्न ऑफ भी कर सकते हैं, कि ये साइमल्टेनियसली रन होनी ही चाहिए तभी जाके सेल आएगा। ऑर्गेनिक सेल का आना स्टार्ट हो जाता है एक बार पीपीसी, हम लोग पीपीसी को रन करने के बाद। जी, देखिए ये ना स्टेज है यहाँ पे, जैसे आपका फर्स्ट स्टेज है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट लॉन्च स्टेज पे है, नेक्स्ट स्टेज पे आपका प्रोडक्ट रैंकिंग स्टेज पे है, थर्ड स्टेज आपका प्रोडक्ट मैच्योर हो चुका है। तो जब फर्स्ट टू स्टेज पे होता है ना, यहाँ पे आपका और एक प्रोडक्ट एकदम क्वेश्चन न्यू है। था, जी ओके वन मिनट सामी, और एक क्वेश्चन था, जो भी कीवर्ड्स हमने रैंक करके रखे हैं, मैप करके रखे हैं हमारे लिस्टिंग में, वो होने के बाद में अगर हमें लगता है कि हमारे इस कीवर्ड्स पे प्रोडक्ट रैंक हो रहा है, तो उस केस में क्या? और ये हो गया ठीक है, एक पीपीसी हो गया जो मैंने आपको बताया कि एक बार रैंक होने के बाद में या फिर एक बार सेल आने के बाद में हम लोग कब उसको बंद कर सकते हैं, सेकेंड कब जो कीवर्ड्स पे रैंक होने लग गया हमारा प्रोडक्ट, तो वो कीवर्ड के लिए तो रैंक हो रहा है वैसे भी ऑलरेडी, तो ऑर्गेनिक सेल आएगा हमारे लिए, तो उस केस में कैसा? ये दोनों सिनेरियो में आप बताइए। जी, तो यहाँ पे फर्स्ट सिनेरियो जहाँ पे आपका कीवर्ड रैंक नहीं है, यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे प्रोडक्ट का 3 स्टेज होता है। फर्स्ट जहाँ पे आपका लॉन्च स्टेज पे है, जहाँ पे आप देखेंगे नोटिस करेंगे आपका एक कॉस्ट बहुत ऊपर जाता है। क्यों? क्योंकि आपका प्रोडक्ट में जो क्लिक्स आता है वो बहुत ज्यादा कॉस्ट करता है। क्यों कॉस्ट करता है? क्योंकि आपका सीटीआर बहुत कम होता है, क्लिक थ्रू रेट, मतलब कितने लोग देख रहे हैं और उसमें से कितने परसेंटेज क्लिक करके एड को क्लिक कर रहे हैं। और क्लिक बहुत कम करेंगे अगर आपका रिव्यूज बहुत कम है, क्योंकि उनको दिखता है पास में जो एड है उसमें रिव्यूज ज्यादा है, या फिर आपका कंप्यूटर्स का ऑर्गेनिक लिस्टिंग है जिसमें रिव्यूज ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है उसमें ज्यादा क्लिक आएगा, तो इसलिए आपका क्लिक हाई रहता है कॉस्ट, और इसलिए आपका ई कॉस्ट भी हाई रहता है। तो इनिशियल स्टेज जो रहता है आपको फोकस करना है रिव्यूज के ऊपर, कैसे आपका रिव्यूज बढ़े। वहां पे ई कॉस्ट कितना भी ऊपर जाए आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ई कॉस्ट ऊपर जाएगा क्योंकि आपका रिव्यूज नहीं है, ट्रस्ट है नहीं। तो फर्स्ट स्टेज रिव्यूज के ऊपर फोकस कीजिए, जितना ज्यादा रिव्यूज आ सके उतना ज्यादा। सेकंड स्टेज रैंकिंग, अभी आपके पास रिव्यूज है, आप देखेंगे आपके एक कॉस्ट ड्रास्टिकली ड्रॉप होना स्टार्ट करता है, और इस स्टेज में आप अपना जो 30-40 रेलिवेंट कीवर्ड से टॉप उसको ट्रैक कीजिए कि उसका रैंकिंग कौन सा पोजीशन पे है। हीलियम 10 का ट्रैकर है जहां पे आप ट्रैक कर सकते। और थर्ड स्टेज जहां पे मैच्योर, मैं एज्यूम कर रहा हूं आपका 500+ रिव्यूज है, आप ऑर्गेनिकली 2-3 हजार कीवर्ड्स के रैंक होना स्टार्ट कर चुके। 2-3 हजार कीवर्ड्स कैसे? आप नोटिस करेंगे रिव्यूज में जो कीवर्ड्स ऐड होते हैं वो भी आपका एसईओ में ऐड होता है, क्यूएनए सेक्शन में जो कीवर्ड्स होता है वो भी आपका एसईओ में ऐड होता है। तो ये इस तरीके से आपको 2-3 हजार ऑर्गेनिक कीवर्ड्स में आपका प्रोडक्ट इंडेक्स होना स्टार्ट करता है। पहले सोचिए आपका सिर्फ 2-3 कीवर्ड्स में ऑर्डर आ रहा था, अभी 2-3 हजार कीवर्ड्स में आपको इंप्रेशन आ रहा है, तो 2-3 हजार जगह पे शो हो रहा है, तो जाहिर सी बात है आपको एक कंसिस्टेंट ऑर्डर आना स्टार्ट होगा, और इस स्टेज में आपका ऑर्गेनिक ऑर्डर बढ़ना स्टार्ट होता है। इस स्टेज में मैच्योर स्टेज में आप देखेंगे अगर आपका एक ऑर्डर आ रहा है पीपीसी से, आपका 4 ऑर्गेनिक ऑर्डर आएगा नेक्स्ट 3 मंथ्स। नेक्स्ट 3 मंथ्स क्यों? क्योंकि कुछ कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं, वहां पे अभी आपका पीपीसी में एक सेल आ गया लेकिन आपका रैंकिंग उतना अच्छा है नहीं कि नेक्स्ट सेल भी आपका पीपीसी से ना आए, ऑर्गेनिकली आए। तो ऑर्गेनिकली लाने के लिए आपको और ज्यादा ऑर्डर्स चाहिए कुछ कुछ कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स के लिए, ताकि आपका ऑर्गेनिक लिस्टिंग और आगे आ सके, फर्स्ट पेज पे आ सके। कुछ कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जहां पे आपका ऑर्गेनिक लिस्टिंग बिल्कुल पीपीसी लिस्टिंग के पास आ जाते हैं। उस स्टेज में जैसे आप लास्ट बता रहे थे कि आपका ऑलरेडी रैंक हो चुका है, उस स्टेज में क्या पीपीसी बंद कर दें? तो यहाँ पे क्या होता है ना, आपका रैंक जब हो जाता है आप नोटिस करते हैं आपका एक और बहुत नीचे चला जाता है, बहुत प्रॉफिटेबल हो जाता है, तो वहां पे जब बंद कर देंगे तो कितना आता होगा वो? हाँ देखिए ये वैरी करता है, हम लोगों ने देखा है 4-5% भी आ जाता है, 4-5% भी एक और आ जाते हैं कभी, ये पूरा डिपेंड करता है। ऑलमोस्ट हम लोग अगर 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट अगर बेच रहे हैं तो यू कैन से इट्स 5 रुपीज फॉर वन प्रोडक्ट सेल। जी, ये एडवर्टाइजिंग में। और यहाँ पे क्या होता है ना, आपका एड सेल आप बात करें जो, लेकिन आपका टोटल सेल अगर आप देखेंगे तो अगर आप 4 रुपए खर्चा कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपका टोटल 200 रुपए का सेल आए ऑर्गेनिक ऑर्डर भी लेके, तो वहां पे यस।
आपका कितना स्पेंड हो रहा है, 2% टोटल, तो वो बहुत कम है। तो इस तरीके से आपका एड कॉस्ट ड्रास्टिकली डिक्रीज होता है, लेकिन ये पूरा पेशेंस का गेम है। आपका इनिशियली आपका सेल नहीं आएगा क्योंकि आपका ट्रस्ट नहीं है, आपका डेटा मिलता है, CTR कन्वर्जन रेट मिलता है, उस डेटा को देख के आपको एनालाइज करना होता है, एनालाइज करके फर्दर एक्शन लेना होता है कि कहाँ पे गलती हो रहा है, क्या और इम्प्रूव होना चाहिए। अगर आप देखते हैं आपका CTR कम है, मतलब आपका एड्स में गलती, अगर आप देखते हैं आपका कन्वर्जन रेट कम है, मतलब आपका लिस्टिंग में गलती है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको शायद अच्छे से पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेरी रहती है कि क्या एड हम लोग कब तक रन करें, क्या लाइफ टाइम रन ही करते रहे, स्टॉप कहाँ पे करनी है, कब तक चलानी है, और उसके बाद में कब ऑर्गेनिक सेल आएगा। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं ये, और उसके पीछे में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार करूँ क्या इसमें, मैं फंस चुका हूँ अभी, क्योंकि बहुत सारे लोग इतना स्पेंड कर देते हैं इसमें, बट वो एक टाइम लिमिट आने के बाद में बंद ही करना पड़ता है, थोड़ा सा अलग वे से चलना पड़ता है, रिव्यूज के ऊपर फोकस करना पड़ता है। जैसे कि सामी ने बताया, रिव्यूज इज द अल्टीमेट थिंग दैट वी नीड टू हेल्प इन अवर सेलिंग बिजनेस। तो एक ट्रस्ट लेवल रहता है, ट्रस्ट फैक्टर रहता है, वो कैसे बिल्ड होगा, वो एक ही चीज से बिल्ड होता है, फीडबैक, फीडबैक और फीडबैक, रिव्यूज एंड रेटिंग्स। यही एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में काम में आती है। मैंने भी बहुत बार देखा है एज पर माई एक्सपीरियंस एज वेल, कि जब तक मैं रिव्यूज नहीं पढ़ता हूँ तब तक मैं भी प्रोडक्ट परचेस नहीं करता हूँ। और ये सेम चीज ना सामी हमारे साथ होती है, बट वो हम लोग इसको समझ नहीं पाते हैं कि यार ये एज अ इस परस्पेक्टिव से अगर सोचेंगे हम लोग, तो कस्टमर भी ऐसे ही सोचता हूँ ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सामी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे, जो कि आया है एक भाई साहब ने पूछा है कि ऑटो जो कैंपेन्स रहते हैं, ऑटो कैंपेन्स वर्क करते हैं, काम करते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी 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 जी, देखिए ऑटो कैंपेन्स, यहाँ पे अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे काम करता है कि नहीं करता है, तो ये पूरा पर्सपेक्टिव है, ठीक है, कि किन के लिए काम करता है, जिनके लिए काम करता है वो बोलेंगे काम करता है, जिनके लिए काम नहीं करता है वो बोलेंगे काम नहीं करता, वो दूसरे रन नहीं करेंगे। अभी काम क्यों नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि अगर काम नहीं करता है, उसको बोल सकते हैं जी 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 जी, इसमें हम लोगों को मैन्युअल, हम लोग कुछ भी कीवर्ड्स मैप नहीं करते, बिल्कुल मैन्युअली कीवर्ड कुछ भी मैप नहीं करते, ये ऑटोमेटिकली अमेज़न की तरफ से ये कैंपेन रेडी होके आ जाता है, हमको सिर्फ प्रोसेस करना पड़ता है, दैट्स इट। तो ये डिपेंड करता है सेलर टू सेलर कि काम करता है नहीं करता, मुझे तो पता है, बट एज पर योर एक्सपीरियंस ऑडियंस जानना चाहती है। तो यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे काम तो ऑब्वियसली करता है, लेकिन आप कब यूज कर रहे हो वो डिपेंड करता है। हम लोग जनरली जो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं उस टाइम पे ऑटोमेटिक रन नहीं करते हैं, और ज्यादा से सेलर क्या करते हैं, यहाँ तक कि अमेजोन का जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो उनको फर्स्ट एड स्टार्ट करने के लिए बोलते हैं, वो भी बोलते हैं कि ऑटोमेटिक स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वो ईजी है। लेकिन क्यों स्टार्ट नहीं करना चाहिए इनिशियली, क्योंकि 100% सेलर जो स्टार्ट करते हैं वो फर्स्ट ऑटोमेटिक करते हैं, और फर्स्ट स्टार्ट करेंगे तो काम नहीं करेगा, क्योंकि अमेज़न के एल्गोरिथम के पास बिल्कुल डेटा नहीं है कि कौन सा कीवर्ड्स में आपका लिस्टिंग कन्वर्ट करता है, क्योंकि आपका लिस्टिंग में कीवर्ड्स भरा हुआ है, आपका कॉपी, हर एक कॉपी में लिस्टिंग कीवर्ड भरा हुआ है ना, कितने सारे आपने वर्ड्स यूज किए हैं, वो हर एक को टारगेट करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उनको पता नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट एक दो हफ्ता आपको एग्जैक्ट मैच एंड फ्रेज मैच रन करना है, जो फर्स्ट 30-40 रेलिवेंट कीवर्ड्स आपको मिला है वो देखे। इसमें क्या होगा, आप रेलिवेंट डेटा फीड कर रहे हैं एल्गोरिथम, ताकि एल्गोरिथम जान सके कि आपका लिस्टिंग जो है या फिर ये साइन जो है वो किस किस कीवर्ड्स में या किस टाइप ऑफ कीवर्ड्स में वहां पे कन्वर्शन लेके आ रहे हैं। जैसे एल्गोरिथम को पता चलता है, वो अपने आप को फीड करना स्टार्ट करते हैं कि दिस प्रोडक्ट इज रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ ऑडियंसेस। उसके बाद एक दो हफ्ते बाद जब आप ऑटोमेटिक रन करते हैं, तो देखेंगे उसका रिजल्ट पूरा अलग आता है। ऑटोमेटिक में दो टाइप ऑफ कैंपेन्स हम लोग रन करते हैं, एक होता है आपका लो ए कॉस्ट, जिनका टारगेट होता है लो ए कॉस्ट लो बिड कैंपेन, जहां पे आपको बिड एकदम कम रखते हैं, वहां पे टारगेट क्या रहता है, लो ए कॉस्ट जनरेट करना, वहां पे सेल भी कम आता है लेकिन बहुत लो ए कॉस्ट में आता है। दूसरा टारगेट क्या रहता है, कीवर्ड हार्वेस्ट करने का, तो वहां पे आप थोड़ा सजेस्टेड बिड से नीचे आप बिड रखते हैं, लेकिन आपका जो टारगेटिंग है उसको पूरा ब्रेक कर देते हैं, जैसे आपका टारगेटिंग क्लोज मैच, लूज मैच, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट है, उसको पूरा ब्रेक कर देते हैं। तो अगर आप देखेंगे, अगर आपका ऑटोमेटिक कैंपेन आप ब्रेक करेंगे, टोटल 4 कैंपेन बनेगा, आप उसको फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। क्यों? क्यों आपके पास टॉप ऑफ द सर्च है, प्रोडक्ट पेज है, रेस्ट ऑफ द सर्च, ये 3 प्लेसमेंट्स है। और एड्स आप जानते हैं हर एक जगह पे अलग अलग कन्वर्जन रेट देते हैं, टॉप ऑफ द सर्च पे अलग कन्वर्जन रेट देता है, प्रोडक्ट पेज पे अलग, रेस्ट ऑफ द सर्च पे अलग, तो हर एक प्लेसमेंट को ब्रेक करना भी बहुत जरूरी होता है। अभी Amazon रिसेंटली रोल आउट किया अपना रिसर्च सर्च बिड एडजस्टमेंट, जो API के थ्रू, अभी सॉफ्टवेयर के थ्रू अवेलेबल है, लेकिन सेलर्स को भी आ जाएगा विद इन 1 or 2 months। तो इस तरीके से हम लोग जो रन करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ज्यादा निगेट मत कीजिए कीवर्ड्स,
अगर आप ऑटोमेटिक रन कर रहे हैं, क्योंकि आप जितना निगेट करेंगे आपका ऑटोमेटिक कैंपेन का रिजल्ट गिरना स्टार्ट होगा। ओके, तो ये बात है, थोड़ा रिवर्स करके भी आप इसको देख सकते हो दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये सैमी के तरफ से। एक सेलर ने सैमी एक क्वेश्चन पूछा है कि अगर मेरे कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स के बारे में मुझे जानना है कि वो कहाँ से कीवर्ड्स ले रहे हैं, जी और तो उसके बारे में क्या कहना है आपका, वो कैसे हम लोग स्क्रैपर करें। जी देखिए, यहाँ पे तो आप डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते, आप टूल्स के थ्रू कर सकते हैं या फिर ब्रांड एनालिटिक्स के थ्रू कर सकते हैं। ब्रांड एनालिटिक्स में अगर आप एजेंट डालेंगे तो वहाँ पे उनका जो हाई सर्च क्वेरी रैंक हिसाब से आपको शो करता है, तो वहाँ पे आपको दिखाता है कि कौन सा कीवर्ड्स में वो इंडेक्स हो रहा है, और ये भी दिखाता है उसमें टॉप 3 कन्वर्जन किस में आ रहा है, टॉप 3 क्लिक शेयर कौन लेके जा रहा है, कन्वर्जन शेयर कौन लेके जा रहा है। यह फ्री ऑप्शन। पेड ऑप्शन में अगर आप आते हैं तो सेरेब्रो ऑप्शन है, सेरेब्रो या फिर जंगल स्काउट का जो कीवर्ड रिसर्च टूल है, वहाँ पे ये साइन डालेंगे तो वो बेसिकली देख लेता है कि कौन सा कीवर्ड्स में आपका कंप्यूटर कहाँ कहाँ पे रैंक है, तो रैंक का पोजिशन भी दिखा देता है। इतने क्वेश्चंस थे दोस्तों जो हमारे आपके तरफ से आए थे हमें, एंड थैंक यू सो मच सैमी फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। एंड ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आई थिंक आपकी सेलिंग जर्नी में, और बहुत से प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व करेगा और आपका सेल्स ड्रास्टिकली इंक्रीज भी करेगा। सो थैंक यू सैमी, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर रोहन। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू।